तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 9 वर्क एंड प्ले की एक्सरसाइज। यहाँ पर सबसे पहले देखें क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज अ वेरी गुड रूल फॉर डूइंग थिंग्स। तो गुड रूल कौन सा है आपका? वन टाइम वन थिंग इज अ वेरी गुड रूल फॉर डूइंग थिंग्स। ओके, इसके बाद देखिए बी नंबर, व्हाट थिंग्स आर नेवर डन राइट। तो व्हाट थिंग्स? हार्ज माइंड वर्क थिंग्स आर नेवर डन राइट। क्लियर। इसके देखिए क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो पोएम में क्या बताया गया था? वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले। ओके, इज द बेस्ट वे टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। क्लियर। वीडियो को आज हम लाइक का टारगेट रखते हैं, 100 लाइक्स, 100 शेयर एंड 100 सब्सक्राइब। तो प्लीज़ मेरे मित्रों, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखें हमारा अगला सेक्शन है वर्ड पावर। इसमें आपको रिदम वर्ड्स बताना है, पोएम से मिलते जुलते शब्द बोलते हैं, जैसे वेरी और चेरी, बोलने में एक जैसे लगते हैं वेरी चेरी, इसी तरह मिलते जुलते शब्द आपको पोएम से छांटना है। यहाँ सबसे पहले शब्द है माइट। माइट का मिलता जुलता शब्द आपने पोएम में पढ़ा होगा, राइट, RIGHT, है ना, स्पेलिंग कॉमन है IGHT, इसी को बोलते हैं रिदम वर्ड्स। फिर नेक्स्ट है प्ले, प्ले का वे हो जाएगा WAY, और लास्ट में आप देख सकते हैं वेल, वेल का हो जाएगा आपका टेल TELL, इनको बोलते हैं रिदम वर्ड्स। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कंप्लीट द स्पेलिंग, स्पेलिंग को कंप्लीट करना है, RLE, ये क्या हो सकता है? ये आपका रूल है RULE, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखिए RGST, किसकी स्पेलिंग होगी? राइट की, RIGST। इसका देखिए HAVES, तो किसकी होगी? हॉब्ज की, HALVES। क्लियर। और लास्ट में है WRK, ये आपका वर्क है। तो कंप्लीट कर दी हमने स्पेलिंग। चलिए वीडियो को फटाफट 100 लाइक्स, 100 शेयर एंड 100 सब्सक्राइब करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ताकि हम अच्छी वीडियो बना सकें। चलिए बढ़ते हैं प्रीपोजिशन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमें प्रीपोजिशन भर के आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। नीचे से आइए, सुधा जंप्ड द स्विमिंग पूल। जब कोई जंप करता है तो वहाँ प्रीपोजिशन यूज होता है इनटू। पानी में जब कोई छलांग मारेगा तो वो इनटू यूज होगा, तो यहाँ हो जाएगा सुधा जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, कविता लॉफ्ट एट मी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, वी आर जस्ट कमिंग आगरा। तो वो अभी आ रहे हैं, कहाँ से? आगरा से। तो आगरा को छोड़ चुके हैं, तो आगरा से जब अलग होते हैं किसी स्थान से तो वहाँ यूज होता है फ्रॉम, FROM। इसके देखो, माई फादर वेंट, कहाँ गए? वेंट टू टेम्पल, वेंट टू द टेम्पल, टेम्पल से जुड़ने जा रहे हैं। जब किसी स्थान से जुड़ते हैं तो टू, और जब अलग होते हैं तो वहाँ फ्रॉम, और जब कोई छलांग लगाता है तो इनटू। क्लियर। इसके बाद देखो, सी इज फॉन्ड ईटिंग स्वीट्स, मीन्स मिठाई खाने का शौकीन है। तो शौकीन की मीनिंग होती है फॉन्ड ऑफ, यहाँ क्या होगा? ऑफ, OF, और इस प्रकार ये स्पेलिंग कंप्लीट हुई।